खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां मेरिट एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व शामली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्य मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में डोटा पोस्ट व स्मेक बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 67 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों के पास से एक कांटा भी बरामद किया गया है, जिसे वजन कर छोटे छोटे पैकेट बनाए जाते थे। यहाँ डोटा पोस्ट पकड़ा है, भारी मात्रा में 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए, क्या मामला है? जनपद शामली के थाना झिंझाना अंतर्गत जो करनाल मार्ग है, उस पर मेरठ के NTF और जनपद शामली की झिंझाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई के उपरांत 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति जनपद शामली का रहने वाला, 2 पड़ोसी जो स्टेट है हरियाणा के रहने वाले, और एक पड़ोसी जो जिला है बागपत के। इस तरीके से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद भारी मात्रा में इसमें डोडा और उसके अलावा चरस की बरामदगी हुई है। इनके विरुद्ध नियमानुसार बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। चूँकि उसके जस्ट बगल में ही थाना झिंझाना की एक चौकी थी, जिसके प्रभारी द्वारा जो वांछित उनके दायित्व थे उनका निर्वहन न करने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन चौकी से उनको हटाया गया है। कुल प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है, इसमें इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी के लिए इनसे वार्ता की गई है। बातचीत करने के उपरांत जो जानकारी हुई है, जो तथ्य संज्ञानित हुआ है, उसमें ये लोग स्पेशली जो अभी जो संज्ञान हुआ है, उसमें 2 ढाबे, एक ढाबा जो HP बंगाली राणा ढाबा करके था उसके, और एक और उसके बगल में 2 ढाबे के लोग, ये लोग बदायूं से इस तरीके की खेप लाते थे, और यहाँ वो मिक्सर वगैरह के माध्यम से उसका वो पाउडर रूप में सेक देते थे, और बनाने के बाद पड़ोसी जो स्टेट है हरियाणा में, स्मूथली इसको भेजते थे। ट्रक के जो ड्राइवर वगैरह आते थे, उनको भी अपने तरीके से प्रोवाइड कराते थे। पूरे प्रकरण में तहकीकात की जा रही है, टीमें लगाई गई हैं, और भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि इस तरीके की जो शिकायतें आ रही हैं, इसमें और भी अग्रेतर कार्रवाई करें। सर, क्या स्थानीय पुलिस ने सर ये लोग अब बेसिकली अभी इनसे जो वार्ता हुई है, इनके माध्यम से ये बताया जा रहा था कि ये लोग बदायूं के संपर्क में थे, वहाँ से लाते थे, और इसके माध्यम से हरियाणा वगैरह में भेजने का भी कार्य। सर, स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, क्या मेरठ की टीम ने कार्रवाई की है? देखिए, ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, और इसमें जैसा मैंने बताया कि जो चौकी प्रभारी थे, इसी कारण से चौकी प्रभारी को वहाँ से हटाया गया है। बाकी इस प्रकरण में अगर किसी इन्वॉल्वमेंट या बाकी की कोई तथ्य संज्ञानित होगा तो निसंदेह प्रतिकूल एक्शन लिया जाए। सर, माल बरामद हुआ है, कितने का माल बताया जा रहा है? सर, ये जो माल बरामद हुआ है, इसमें से टोटल जो डोडा है, इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 27.5 लाख आंकी जा रही है, और चरस की कीमत लगभग 40 लाख। इस तरीके से कुल मिला के लगभग 67.5 लाख कीमत की बरामदगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बताई जा रही है। ठीक है।